खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ के पल्लू में आज पल्लू उप तहसील कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता व अन्य सीआई कार्यकर्ताओं द्वारा सांकेतिक धरना विरोध प्रदर्शन कर फसल बीमा प्रीमियम बढ़ाने व उचित किसानों की बीमा देने व संपूर्ण कर्जा माफ करने की मांग पर किसानों और नौजवानों ने तहसील पर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर नायब तहसीलदार पल्लू जगदीश राम को ज्ञापन सौंपा। मौके पर थाना प्रभारी दिनेश सारण में जाप्ता मौजूद रहे। जिला परिषद सदस्य गौरीशंकर थोरी व बिसरा सरपंच महावीर सारण के नेतृत्व में धरना देने पहुंचे सभी ग्रामीणों ने प्रीमियम घटाने की बात कही। संपूर्ण कर्जा माफ करने की मांग की। जिला परिषद सदस्य गौरीशंकर थोरी ने बताया कि भाजपा सरकार पर कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ छलावा किया है। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करो, बीमा प्रीमियम की राशि कम करो और इलाके की गारंटेड उपज बढ़ाओ। सरकार किसानों को गुमराह नहीं करे। धरना प्रदर्शन पर राजस्थान कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद तो वहीं हेतराम कसवा, बनवारी शिहाग, जगदीश खिचड़, अनिल बिरडा, इकबाल खान, मनोज शमसारसवा, तारचंद बिजारनिया, रामेश्वर लाल, रामकुमार सहित सैकड़ों नौजवान मौजूद रहे।